करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर ऑन पेज नंबर 6 दिया हुआ है हमें बुक पे। तो इसकी टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन की भी और मल्टीप्लिकेशन की। मैं ये लाइन से लगाइए ताकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ मैं लिखूं तो आपको समझ आ जाए कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास, इसकी भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेम ही है, इसका भी नाम क्लोजर प्रॉपर्टी ही है। क्लोजर प्रॉपर्टी सही है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो भी इस पे ही बिलोंग करता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल इसे कहते हैं, फॉर ऑल यानी सबके लिए। फॉर ऑल अगर हमारे पास ए और बी दो हमारे पास नंबर्स या एलिमेंट्स हैं तो ये बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर के साथ। अगर हम ए को प्लस करें बी के साथ तो हमारे पास ये भी रियल नंबर ही आना चाहिए। ये पहली हमारी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये कहती है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारी क्या कहती है, फॉर ऑल अगर हम ए और बी दो एलिमेंट्स लें और जो बिलोंग करते हों रियल नंबर के साथ, तो हम अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर के साथ। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोकेटिव प्रॉपर्टी। एसोकेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इसका भी नाम एसोकेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास इसमें तीन एलिमेंट्स हों, फॉर ऑल अगर हमारे पास ए बी सी और डी सी तीन एलिमेंट्स हों, ये बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर के साथ, और अगर हम तीनों एलिमेंट्स को ऐड करें, पहले ऐसे ऐड करें फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ऐड करें, वो इक्वल आनी चाहिए सेकेंड ब्रैकेट के। यानी अगर हम इधर बी सी पे ब्रैकेट लगाएं और इनको ऐड करें तो हमारे पास अगर हम इक्वल आना चाहिए ए बी को अगर हम ऐड करें। कुछ लोग इसे ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग इसे ऐसे लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, एक ही बात है वैसे दोनों में, ए बी सी डी। कुछ लोग पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, कुछ लोग बाद में लगा देते हैं, एक ही बात है दोनों में। तो अगर ऐसा केस बना तो इसे कहते हैं आइसोकेटिव प्रॉपर्टी। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अगर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हों वो बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर के साथ, और अगर हम ए बी सी तीनों को मतलब बी सी को मल्टीप्लाई करें ए के साथ तो ये इक्वल आना चाहिए ए बी को मल्टीप्लाई करें सी के साथ, या फिर ए बी को मल्टीप्लाई करें सी के साथ तो इक्वल आना चाहिए बी सी को मल्टीप्लाई करें ए के साथ। दोनों ही बातें सेम ही हैं, पहले इन्होंने पहले लिख दिया ए बी को और इन्होंने बाद में लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिटिव को हटा के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर हम यहाँ पर एक एलिमेंट लें और जो बिलोंग करता हो रियल नंबर के साथ, रियल नंबर पे तमाम नंबर्स आ जाते हैं, रियल नंबर्स में तमाम नंबर्स आ जाते हैं, तो अगर हम ए को 0 से ऐड करें
तो हमारे पास ए ही आता है, और अगर 0 को ए से ऐड करें तो हमारे पास ए ही आता है, यानी 1 प्लस 0 ज़ीरो ही 1 ही आएगा, और 0 प्लस 2 भी कर लेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी ये कहती है, सही है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, अगर हम ए को बुला, ए कोई हमारे पास एलिमेंट हो, जैसे हमने यहाँ पर ए को 1 लिया था, यहाँ पर ए कोई भी एलिमेंट हो वो बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर के साथ, और अगर हम ए को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ तो भी हमारे पास ए आएगा, या 1 को मल्टीप्लाई कर दें ए के साथ तो हमारे पास ए ही आएगा। यानी अगर हम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, और अगर हम 1 मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे तो भी हमारे पास ए ही आएगा। सही है, ये प्रॉपर्टी यही कहती है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, विच इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 की मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। सही है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर हमारे पास कोई भी ए एलिमेंट हो वो बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर के साथ, अगर हम ए को प्लस करें किसी भी इनवर्स के साथ ऑफ दैट एलिमेंट तो हमारे पास आंसर 0 आता है, यानी 1 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सही है। और यहाँ पर भी फॉर ऑल, अगर हम ए कोई एलिमेंट लें और वो बिलोंग करता हो रियल नंबर के साथ, तो अगर हम ए का इनवर्स लें तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। अगर हम ए का इनवर्स लें तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, इधर 1 आएगा। और अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू 1 ओवर ए, तो ए ऐसे कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 1। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है फिफ्थ प्रॉपर्टी, विच इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये क्या होगी, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी और सी, तीनों बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर के साथ, अगर हम ए बी को ऐड करें तो हमारे पास बी सी को जो ऐड करेंगे वो उसके इक्वल आना चाहिए। सही है। जैसे हम 1 प्लस 3 करते हैं या फिर 3 प्लस 1 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 4 इज इक्वल टू 4। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, ए बी सी बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर के साथ, और अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बी और सी को मल्टीप्लाई करके इक्वली आंसर आएगा। यानी अगर हम 3 मल्टीप्लाई करें 4 और 4 मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमारे पास सेम आंसर आता है। सही है। तो ये थी हमारी 5 प्रॉपर्टी अभी तक। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं, विच इज़ 6 प्रॉपर्टी। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसमें क्या होता है, इसमें अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी और सी, वो बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर के साथ, और अगर हम ए और बी को ऐड कर दें, सॉरी ऐड कर दें और मल्टीप्लाई कर
और इसे ऐड कर दें। अगर हमारे पास ए बी को हम ऐड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें सी के साथ, तो ये इक्वल होगा ए सी प्लस बी सी के। और इसी तरह अगर हम ए और ए को मल्टीप्लाई कर दें बी प्लस सी के साथ, तो ये इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो इससे रिलेटेड है। प्रॉपर्टीज हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन